बोलता बिहार न्यूज मीडिया और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हमारी मौजूदगी मंसूर चौक प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज समसा एक में है, वार्ड संख्या 8 में है, जहां आज हमारे साथ मुखिया पद के प्रत्याशी शेष भूषण दत्त झा जी हैं, जिनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे इन्होंने जो नामांकन कराया है मुखिया पद के लिए इनका क्या उद्देश्य है, जनता के बीच जो ये जा रहे हैं लगातार लोगों से इनको आशीर्वाद मिल रहा है, आखिर क्या कुछ परेशानी जनता की जो है जो इनके समक्ष आया है, और इनका जो संकल्प पत्र है इसके अनुसार क्या कुछ ये करने वाले हैं। और हम यहाँ ये भी जानने का प्रयास करेंगे अभी तक पंचायत में जो भी कार्य हुआ है और इसके बाद क्या कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि नहीं, और इसके बाद हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो हमारे साथ शेष भूषण दत्त झा जी हैं, नामांकन के बाद पंचायत के बीच जो लोगों के साथ ये मिल रहे हैं क्या कुछ आशीर्वाद मिल रहा है। तो सर, सबसे पहले आपको बोलता बिहार न्यूज मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं समसा पंचायत में जब नामांकन करा के आया सारे लोगों से वादा किया जो भी यहाँ भ्रष्टाचारी या कोई भी ढंग का गुरखोरी प्रथा उन्मूलन करने का हम कोशिश करेंगे, और जहाँ तक जनता की राहत देने की बात होगी और स्वच्छ कार्य सब काम संपन्न होगा। देखिए, सबसे पहली बात हम यह बात करना आपसे चाहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज धरातल की मुख्य चीज़ें हैं जिनको लेकर सभी आदमी कहीं ना कहीं कोई भी रोजी रोजगार करके अपना जीवन चलाते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर घर का बात करें तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ रुपया लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको इंदिरा आवास दिया जाएगा, तो भ्रष्टाचार के मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, यह बात तो नहीं है। भ्रष्टाचार लोग जब तक दोनों नहीं करेंगे नहीं हो सकता है। जरूरत नहीं है, रुपया लेगा देना ही पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं भी देते हैं रुपया काम होता है, और स्वच्छ काम करने के लिए स्वच्छ नीति अपनानी होगी और भ्रष्ट लोगों से अलग रहना होगा, अलग उसकी व्यवस्था करनी होगी जिससे निरापद लोगों को सब संकट दूर होगा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हर एक चुनाव में युवा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मिलता है, लेकिन युवा जो है आज किस